वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। आज जो हम कर रहे हैं वो सीएस क्रैकर की बुक से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 200 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम 201 से करते हैं। 201 में हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है द डायनामिक रेस हजार्ड प्रॉब्लम अकरेज। तो डायनामिक रेस हजार्ड पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायनामिक हजार्ड क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, देखेंगे इसको कि ये डायनेमिक हजार्ड के बारे में है। कि डायनेमिक हजार्ड बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने एक सिंगल इनपुट के लिए फॉर अ सिंगल इनपुट आउटपुट चेंज होता है अगर मोर देन वंस, बेसिकली एक सिंगल इनपुट के लिए आउटपुट अलग अलग चेंज हो रहा है तो इसको हम डायनेमिक हजार्ड कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे पास जो सर्किट होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो आउटपुट लेने के लिए जो सर्किट है वो डिफरेंट डिफरेंट रूट को कवर कर सकता है। फॉर लार्जर सर्किट देयर मे बी अ डिफरेंट रूट टू आउटपुट, और हर एक रूट में आपके पास डिफरेंट डिले हो सकता है जिसके कारण के आउटपुट चेंज हो जाए। दैट मीन्स मान लो कि आपके पास एक इतना बड़ा सर्किट है और आउटपुट ऐसे यहाँ मिलना है, तो पहली बार इसने ये वाला पाथ लिया है, यहाँ अलग डिले आया था तो अलग आउटपुट आ गया, नेक्स्ट टाइम इसने ये पाथ लिया तो एक अलग आउटपुट आ जाएगा, तो इसलिए डायनेमिक हजार्ड की प्रॉब्लम आती है। तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसमें ये जो डायनेमिक हजार्ड आता है वो आता है लॉजिक गेट्स के अंदर डिले के कारण। किसके डिले के कारण? डिले इन लॉजिक गेट्स। अगर हम सिक्वेंशनल सर्किट की बात करें तो जो उसके अंदर डिले होता है वो फ्लिप फ्लॉप के अंदर होता है, तो इसके कारण हजार्ड आता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता द डायनेमिक हजार्ड प्रॉब्लम अकर इन, तो ये दोनों के अंदर होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी होता है सिक्वेंशनल सर्किट में भी होता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है डायनेमिक रेस हजार्ड किसमें होता है, तो डायनेमिक रेस हजार्ड किसी भी सर्किट में नहीं होता, ना कॉम्बिनेशनल सर्किट में होता है ना ही सिक्वेंशनल सर्किट में। तो क्वेश्चन को इसमें ध्यान से पढ़े तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 202। इसमें कहा गया है एक शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज फॉर, तो शिफ्ट रजिस्टर पहली बात कितने तरीके से होते हैं और क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। जो शिफ्ट रजिस्टर होता है इसके अंदर हम डेटा को शिफ्ट करते हैं और ये चार तरीके के होते हैं, सीरियल इन, सीरियल आउट, इसको नॉर्मली ऐसे भी बोला जाता है SISO, इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट, तीसरा हो जाएगा हमारा पैरेलल इन सीरियल आउट, जो चौथा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पैरेलल इन पैरेलल आउट। क्या मतलब है कि डेटा आपके पास सीरियली आ रहा है और सीरियली ही जा रहा है, यहाँ डेटा तो आपके पास सीरियल आया है बट पैरेलल ही आउट है। दैट मीन्स अगर चार बिट का डेटा है तो चारों इनपुट के लिए आपको चार क्लॉक पल्स चाहिए और पांचवें क्लॉक पल्स में ये चारों के चारे आउटपुट के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पैरेलल इन है दैट मीन्स एक सिंगल क्लॉक पल्स में आपके पास चारों बिट का डेटा आ जाएगा बट आउटपुट जाने के लिए वो सीरियली जा रहा है, दैट मीन्स हर एक सिंगल सिंगल क्लॉक के लिए एक एक बिट का डेटा जाएगा, और यहाँ एक क्लॉक पल्स में सारे इनपुट और एक क्लॉक पल्स में सारे आउटपुट, दैट इज पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो आपसे कहा गया है कि जो शिफ्ट रजिस्टर है वो किसके लिए यूज किया जा सकता है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन, बिल्कुल दिस इज सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन। नेक्स्ट है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन, ये रहा हमारा पैरेलल इन सीरियल आउट। डिजिटल डिले लाइन, बिल्कुल डिजिटल डिले लाइन, जैसे कि आप अगर आप कर रहे हो तो पैरेलल इन पैरेलल आउट डिले ही तो कर रहे हो तरह से, या ये देख ले सीरियल इन सीरियल आउट, चारों बिट को किया डिले हुआ फिर आप आउटपुट दे रहे हो, तो ये चारों तीनों के तीनों पॉसिबल है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 203, इसमें कहा गया है कि फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव, तो फुल एडर से पढ़ने से पहले हमें हाफ एडर के बारे में पता होना चाहिए। हाफ एडर का काम क्या होता है, ये आपके पास दो बिट का इनपुट लेगा और आपको एक आपको सम देगा और एक आपको कैरी दे देता है, दो इनपुट हो गया ए और बी। लेकिन अगर हम फुल एडर की बात करें तो फुल एडर में क्या होता है, दो इनपुट के साथ साथ एक प्रीवियस का जो कैरी होता है वो भी होता है, और आउटपुट इसमें भी दो होता है, एक होता है हमारा सम और एक होता है कैरी। तो इसने पूछा है कि फुल एडर में क्या दो इनपुट एंड एक आउटपुट होता है, नहीं, ये हमारा जो है वो हाफ एडर के लिए। नेक्स्ट है थ्री इनपुट एंड थ्री आउटपुट, नहीं, टू इनपुट एंड टू आउटपुट, नहीं, एंड थ्री इनपुट एंड टू आउटपुट, यस, सॉरी, ये जो हाफ एडर के लिए होगा ये होगा ये वाला, क्यों, क्योंकि दो इनपुट है और दो आउटपुट है, दो आउटपुट कौन कौन से, एक सम और एक
कैरी का। तो ये थ्री इनपुट एंड टू आउटपुट, ये जो हो जाएगा हमारा ये फुल एडर के लिए हो जाएगा। इसका ये यहाँ पे ये पिक्चर बना हुआ है, ये देखेंगे ये हमारा फुल एडर है और ऊपर वाला हमारा जो है वो हाफ एडर है। ये फुल एडर है और ये हाफ एडर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 204, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेशनल लॉजिक सर्किट। सिक्वेशनल के अंदर हमारा आ जाता है काउंटर, फ्लिप फ्लॉप एंड शिफ्ट रजिस्टर। तो आपसे कहा गया है कि इनमें से सिक्वेशनल सर्किट कौन सा है। तो हमारे पास जो हो जाएगा काउंटर हो जाएगा सिक्वेशनल, क्योंकि एडर, मक्स और एनकोडर, डिकोडर, सब्ट्रैक्टर, डी मक्स, ये सारे जो होते हैं हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 205। इसमें आपके पास एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट से आपको आउटपुट पूछा गया। तो इस सर्किट को करने से पहले हम एक मक्स का एक थोड़ा सा बेसिक लॉजिक समझ लेते हैं, सो दैट कि हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए करना। तो इधर देखेंगे यहाँ पे मैं मक्स के लिए 4:1 का मक्स बना रही हूँ और इसका बेसिक लॉजिक डायग्राम समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो हमारे पास अगर एक 4:1 का मक्स है, दैट मीन्स हमारे पास इनपुट चार होने वाले हैं। इस इनपुट का मैंने नेमिंग इस तरीके से रखा, ये I0 है, I1 है, I2 है और ये वाला हमारा है I3। आउटपुट हमारा इसके अंदर एक होना है, इस आउटपुट को हमने Y रखा है। दो हमारे सेलेक्ट लाइन है, विच इज एक हमने रख दिया S0 और एक रख दिया S1। इसका अगर आप ट्रूथ टेबल बनाए तो ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको पता है ये जो हमारा मक्स है इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ सेलेक्ट लाइन कि आपने सेलेक्ट लाइन में क्या इनपुट दिया है। तो दो इनपुट है हमारे पास S0 एंड S1। अगर दोनों की वैल्यू 0-0 है तो जो हमारा आउटपुट में जो सेलेक्ट होगा इनपुट वो I0 सेलेक्ट होने वाला है। अगर ये हमारा 0-1 है तो आउटपुट हमारा I1 सेलेक्ट होगा और ये 1-0 है तो आउटपुट हमारा, अगर ये इनपुट 1-0 है तो आउटपुट हमारा I2 सेलेक्ट होने वाला है और 1-1 पे हमारा आउटपुट जो है वो I3 सेलेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम इसका अगर मैं एक बुलियन एक्सप्रेशन बनाऊं, क्या बनाऊं, एक बुलियन एक्सप्रेशन, तो ये जो Y हो जाएगा उसका बुलियन एक्सप्रेशन इस तरीके से हो जाएगा कि अगर हम I0 के लिए देखें तो कब हो रहा है, जब S0 की वैल्यू 0 है और S1 का भी 1 है तब हमारा I0 हो रहा है। प्लस I1 कब है हमारे पास, S0 पे कॉम्प्लीमेंट है, S1 एज इट इज एंड देन I1। प्लस I2 कब है, S0 S1 का कॉम्प्लीमेंट देन I2। प्लस S0 S1 देन I3। तो ये हमारा एक बुलियन एक्सप्रेशन है। उसके बाद हम इसका लॉजिक सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखेंगे कि पहले हम 0-0 में I0 को करेंगे, देन I1, देन I2, देन I3। कई बार यहाँ पर I0 इस तरफ लिखा होगा, यहाँ पे नंबरिंग होगी 0, 1, 2, 3, तो उसी तरीके से करेंगे। इसका आपको आगे के क्वेश्चंस में सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो अभी हमने पीछे जितना भी इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा उसके बेसिस पे हम ये 205 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट में आपसे पूछा है कि क्या आउटपुट होने वाला है। देखिए ये रहा यहाँ पे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। उसके बाद आपके पास ये आउटपुट है, दो इनपुट है हमारे पास, एक ए है और एक बी है। इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, ये जो पहला है ये हमारा सी है, दिस इज आवर सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑल्सो सी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज सी, और आपके एक 4:1 का ये मक्स है और आपसे आउटपुट पूछा गया। जैसे कि अभी हमने ट्रूथ टेबल किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे कि ये जीरो वाला कब सेलेक्ट होना है, जब ए और बी दोनों जीरो, ए और बी दोनों जीरो है, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तब ये जीरो इनपुट सेलेक्ट होना है। इसमें इनपुट क्या है हमारे पास, सी है। प्लस ए बी बेले तो ये 0 और 1 तब होगा, 0, 1, इस पे हमारा क्या सेलेक्ट होना है, 1, विच इज C1। तो ये 0, 1 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, ए और बी के फॉर्मेट में लिखेंगे, विच इज ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा 1, 0 हो जाएगा। और इसके वक्त हम किसको सेलेक्ट करेंगे, C1 को। सेम हमारा अगला ए बार बी के साथ हम C2 को करेंगे, सेकेंड इनपुट को करेंगे, विच इज ऑल्सो सी कॉम्प्लीमेंट, जब हमारा दोनों इनपुट ए बी हो तब हमारा ये थर्ड वाला हो जाएगा विच इज सी। तो इस सर्किट का आउटपुट ये होने वाला है। अब बस आप इसको आप सिंपली सिंप्लीफाई कर लें जितना भी आपसे ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखेंगे कैसे सिंप्लीफाई होगा। ये पहला इनपुट है हमारे पास
इसके अंदर और इसके अंदर हम कॉमन ले ले, तो अगर हम कॉमन लेंगे तो सी इनपुट आ जाएगा, तो ये यहाँ बचा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। साथ में अगर आप यहाँ कॉमन देखें तो यहाँ हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। इसके अंदर देखेंगे ये जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो एक्सनोर का होता है, और एक्सनोर को हम एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ये एक्सोर हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और ये एक्सोर का ही एक्सोर ही है बेसिकली, ये एक्सोर हो गया ए और बी का। तो ये देखेंगे पहला इनपुट एज इट इज, और इसको एक पूरा एक वाई मान लें, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा सी वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट वाई। तो ये एक तरह से फिर से क्या हो जाएगा सी एक्सोर वाई, तो हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा सी एक्सोर, और वाई की जगह पर हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा वाई था विच इज ए एक्सोर बी। ये ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे 205 के लिए, तो ऑप्शन आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो था, इसको एक बार इधर कर लेते हैं, देखेंगे ए एक्सोर, इसको मैं इरेज कर रही हूं सो दैट आप रीड कर सके, ये रहा ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 206, इसमें कहा गया है कंसीडर द सर्किट शोन बिलो, द आउटपुट ऑफ अ 2x1 मार्क्स इज गिवन बाय फंक्शन ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये इनपुट ए है, ये बी है, ये हमारा वन है, ये जीरो है, और ये 2x1 का एक मार्क्स है, और इस तरफ ये आउटपुट यहाँ पे ये जी है, यहाँ ये नीचे हमारा है x1 और यहाँ पर है ये x2, और इधर इनपुट है हमारा ए और इधर इनपुट है बी, और ये आउटपुट है आपका फाइनल। तो सबसे पहले हम ये वाला मक्स सॉल्व करेंगे, इस मक्स से हमारे पास कैसे आउटपुट आने वाला है। इस मक्स को मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये मक्स कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास x1 इनपुट है, यहाँ से हमारा ये 1 है, ये 0 है, और ये ए है, और ये हमारा बी होने वाला है, और इसके साथ ही हमारा जी हो गया, इतना ही हमारा। तो देखेंगे इस जी का जो हमारा आउटपुट होगा वो कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, जब ये वैल्यू 0 होगी तो ये वाला इनपुट को सेलेक्ट करेगा, जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये सेकंड वाले को करेगा। दैट मीन्स जब ये हमारा एक्स कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो ए को लेगा, प्लस अगली बार जब ये एक्स होगा, एक्स नहीं है बेसिकली ये x1 है, तो ये बी को लेने वाला। आप चाहो तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ देखेंगे हम x1 तो x1 ही है, बट ए की वैल्यू 1 है, प्लस x1 हमारा x1 ही है, और बी की वैल्यू 0 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1, क्योंकि ये वैल्यू 0 होने वाली है। तो जो जी से आउटपुट मिल गया वो x1 हो गया। अब आप हम दूसरा लॉजिक, जो दूसरा मक्स है उसको डिजाइन करते हैं। तो दूसरा मक्स कुछ इस तरीके से है, जहां पे ये वाली वैल्यू है जी, और इस जी का क्या इनपुट है हमारा x1 का पे बार, ये ए है और ये बी है, और बी में क्या साइन है हमारा x1 है, और जो इसका सेलेक्ट लाइन है कंट्रोल लाइन वो x2 है, और ये हमारा y हो गया। इसके अंदर भी हम एज इट इज यही करेंगे जो पीछे किया था, कि जब x2 की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट में है तो a को सेलेक्ट करेगा, प्लस जब x2 की वैल्यू 1 है तो वो b को सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ देखते हैं हम x2 कॉम्प्लीमेंट, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास x1 का कॉम्प्लीमेंट, x2 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास x1, तो ये हमारा f का आउटपुट हो गया। अब आप देख लीजिए ऑप्शंस में कौन सा सही है, तो f की वैल्यू जो है वो ये देखेंगे ऑप्शन नंबर c को, x1 इंटू x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट, ये बस ऑर्डर चेंज है, बाकी ये हमारा यही है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 207, इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है, द फॉलोइंग सर्किट इम्प्लीमेंट, ये हमारा इनपुट यहाँ पे ए है बी है, इधर ध्यान से देखेंगे ये ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ 1 है और इधर 0 है, तो इसका आप डिजाइन करते वक्त सॉल्व करते वक्त गलती ना कर दें, ये हमारा ए बी है और यहाँ पे 3 इनपुट है x1, इस तरफ है हमारा x2 और ये हमारा x3,
सॉल्व करते हैं पहला वाला मक्स। पहला वाला मक्स में आप देखेंगे यहाँ पर वन है और यहाँ पे जीरो है, इधर इनपुट ए है और इधर इनपुट बी है, और ये आपका आउटपुट निकला। और यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल लाइन था वो है एक्स वन। तो आपको पता है जब ये वैल्यू हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, विच इज एक्स वन का कॉम्प्लीमेंट, तो जीरो वाली इनपुट सेलेक्ट होती है, तो जीरो वाली इनपुट ये है, तो ये हमारा बी के साथ हो जाएगा। प्लस जब एक्स वन हमारा वन होता है तो ये वन वाली इनपुट होगी, ये हो जाएगा। तो ये तो हमारा आउटपुट हो गया इसके लिए। अब हमारा इसको हम दूसरे वाले मक्स से सॉल्व करते हैं कि इसी को ये पूरा हमारा इनपुट बना है एक दूसरे मक्स के लिए, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये पूरा हमारा इस तरीके से यहाँ इनपुट हुआ, ये वाला जो इनपुट है वो हमारा x2 है, इसका कंट्रोल लाइन x3, और ये रहा हमारा आउटपुट f। तो ये जो हमारा आउटपुट f हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी यही उल्टा है, ये 1 है और ये 0 है। दैट मीन्स जब x3 का कॉम्प्लीमेंट होगा तब हम x2 को सेलेक्ट करेंगे, और जब हमारा x3 होगा 1 होगा तो हम सेलेक्ट करेंगे x1 कॉम्प्लीमेंट b प्लस x1 a। तो ये हमारा आउटपुट हो गया, और इसको इसने इस f को बोला है ये ए बी आना चाहिए। तो अब इसको हम सॉल्व करके ये बताना है कि x1, x2 और x3 की क्या पॉसिबल वैल्यूज है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको एक एक करके ऑप्शन पुट करके देखना है। तो सबसे पहले हम f की वैल्यू निकालते हैं कि अगर x1 की वैल्यू b रख ले, क्या रख ले हम, x1 की जगह पर b, x2 की जगह पर 0 और x3 की जगह पर a, तो क्या इसको सॉल्व करने के बाद ए भी आता है, देखते हैं। तो x3 की जगह पर a होने वाला है, दैट मीन्स ये a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। x2 का कॉम्प्लीमेंट, x2 की वैल्यू 0 थी और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि जब x3 की वैल्यू 0 थी तो दैट मीन्स आपको x2 को सेलेक्ट करना था, तो ये नहीं आएगा हमारे पास, ये बाय मिस्टेक हो गया। तो x2 की वैल्यू क्या है, जीरो है, ये जीरो ही रहेगा। प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास a है, x1 का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट इंटू b प्लस x1, x1 की वैल्यू है b इंटू a। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये a बार इंटू जीरो हमारे पास जीरो हो जाएगा, प्लस a b बार इंटू b ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस b a। अब इसको अगर ब्रैकेट से आप सॉल्व करेंगे तो ये जीरो और ये ए ए बी विच इज ए बी। तो आपने यहां देखा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन पुट करने पे आउटपुट ए बी आ गया। अगर आप पे फर्स्ट ऑप्शन पे नहीं आता तो आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे कि किससे ये वैल्यू आंसर आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन अगला है 208, इसमें कहा गया है Consider the circuit below which one of the following option is correctly represent x, y, z। तो basically फिर से इसमें output ही पूछा गया है, ये input हमारा x है, ये हमारा y complement है, this is our z, this is our x and this is our y। ये हमारा 0 है, ये 1 है, same यहाँ पे 0 है, ये 1 है, और ये आपका output है हमारा f, ये 1 है। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। हम पहला वाला मक्स सॉल्व करते हैं। पहले वाले मक्स के अंदर कुछ इस तरीके से है, ये जीरो है, ये वन है, एक इनपुट है हमारा एक्स और एक इनपुट है हमारा वाई कॉम्प्लीमेंट, और ये आउटपुट है। तो ये जो इसका आउटपुट किस पे होगा, सेलेक्ट लाइन हमारा है जेड। कि जब जेड की वैल्यू जीरो है दैट मीन जेड कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको जीरो वाला सेलेक्ट होगा विच इज एक्स, प्लस जब जेड की वैल्यू वन है तो वन वाला सेलेक्ट होगा विच इज वाई। तो ये आपका ये 2 × 1 मक्स का आंसर हो गया। फिर आपसे क्या क्या आ गया, इसी मक्स को इनपुट बनाया गया है किसी दूसरे मक्स का, ये रहा मक्स दूसरा, और इसका दूसरा इनपुट है हमारे पास, यहाँ से ये x लिया गया है, इसका जो सेलेक्ट लाइन है ये हमारा y है और ये आउटपुट है। तो इसका आउटपुट क्या होगा कि जब y की वैल्यू जीरो है दैट मीन्स जब y कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे ये जीरो है और ये वन है, तो ये जीरो वाला सेलेक्ट हो जाएगा, और जीरो में इनपुट क्या रहा है, z कॉम्प्लीमेंट x प्लस जेड वाई, प्लस जब y की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये इनपुट 1 वाला सेलेक्ट हो जाएगा वाई एक्स। तो जो हमारा फाइनल f की वैल्यू आ गई, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि x z कॉम्प्लीमेंट, यहाँ मैंने ऑर्डर चेंज किया, ये x z कॉम्प्लीमेंट प्लस, आप यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ ये देखिए y कॉम्प्लीमेंट था तो ये y कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा और ये y कॉम्प्लीमेंट होगा, ये हो जाएगा हमारा y कॉम्प्लीमेंट z, और इसकी मल्टीप्लाई किया गया है y कॉम्प्लीमेंट से और प्लस का y है।
अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, यहां करेंगे तो ये ऐसे ही होगा वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स वाई। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें आप पहले वाले एक्सप्रेशन को और थर्ड वाले एक्सप्रेशन को देखें तो यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये z कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट z। यहां देखेंगे एक रूल लग रहा होगा कि पहले वेरिएबल का अगर कॉम्प्लीमेंट आए किसी दूसरे वेरिएबल के साथ तो उस कॉम्प्लीमेंट वाले को हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। फिर अंदर अगर हमने ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x z कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। तो इस पूरे सर्किट का आउटपुट ये होने वाला है। आप ऑप्शन से देख लें किस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो देखेंगे एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई वाई जेड वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।